नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका स्वागत है वडोदरा न्यूज नेटवर्क में दैनिक राशि फल में। 19 सितंबर 2020 शनिवार का शुभ दिन। विक्रम संवत 2077 शरद ऋतु दक्षिणायन। अधिक आश्विन मास द्वितीय तिथि सुबह 9:19 तक शनिवार का शुभ दिन। चित्रा नक्षत्र ब्रह्म योग कौलव करण और आज कन्या राशि का शुभ चंद्रमा है। दोपहर में 2:41 तक कन्या राशि में जन्म होने से जो व्यक्ति दोपहर में 2:41 से पहले का जन्म है उसकी कन्या राशि होने से प ठ और ण अक्षर पर नाम आएगा। दोपहर के बाद में चंद्रमा तुला राशि पर प्रवेश करेगा। आज का राहु काल है प्रातःकाल 9:39 से 11 तक। आज का अभिजीत शुभ मुहूर्त है दोपहर में 12:07 से 12:57 तक। तो प्रारंभ करते हैं आज का शुभ राशि फल। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य मध्यम रहेगा। विरोध पक्ष आपका विरोध मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य थोड़ा मध्यम रहेगा। आपको सावधान होने की आवश्यकता है क्योंकि विरोधी लोग आपका विरोध करेंगे, लेकिन जीत आपकी ही होगी। सामान्य आज का दिन आपका मेहनत अधिक रहेगा और कार्य में थोड़ी व्यस्तता अधिक रहेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य खुशनुमा रहेगा। कार्य क्षेत्र में और व्यवसायगत आपको आज दौड़ धाम अधिक करनी पड़ेगी। कार्य सफलता आज अच्छी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य आपका भ्रमित रहेगा। काम काज में मन नहीं लगेगा। कोई निर्णय लेने में आज आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। यदि निर्णय लेना पड़े तो किसी व्यक्ति की सलाह लेकर आज निर्णय ले। निर्णय शक्ति कमजोर होने पर आज यदि आप अकेले निर्णय लेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए आज किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में निर्णय ना लें। नया काम का आज प्रारंभ ना करें। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, अच्छा दिन रहेगा तथा शत्रु और विरोधी पक्ष आपको हैरान करेंगे, लेकिन उसमें आपका हौसला और उत्साह बढ़ेगा और व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। आज के दिन उत्साह और हौसला बढ़ने से विरोधी पक्ष कमजोर रहेगा और आज आपको सफलता उसमें मिलेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य गुस्सा भरा रहेगा। मन में उद्वेग उच्चाट रहने की आवश्यक। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य मध्यम रहेगा। पारिवारिक या कुटुंबी व्यक्तियों की परेशानी कुछ आपकी मानसिक चिंताओं में व्याधि डाल सकती है, इसलिए सामान्य आज का दिन थोड़ा मध्यम रहेगा। आज का दिन थोड़ा खर्चालू आपका रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज सामान्य दिन आपका मध्यम रह सकता है। आज कोई खरीदारी ना करें। रोजिंदा समय में आज आप अधिक व्यस्त रहेंगे और आज किसी के विश्वास पर ना चलें। नुकसानी हो सकती है, इसलिए विचार पूर्वक आज आपको निर्णय लेना है और किसी के विश्वास में आज नहीं आना है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज व्यवसाय में और कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति रहेगी। लेन देन का व्यवहार बहुत अच्छा चलेगा। भागीदारी और साझेदारी में आज आपको लाभ मिलने की आवश्यकता है। व्यवसाय संबंधी आज आपकी मुसाफरी और प्रवास का आज का योग रहेगा। धनराशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य थोड़ा मध्यम रहेगा।
पारिवारिक या कुटुंबी व्यक्तियों की परेशानी का सामना आपको कर सकता है। किसी वाद विवाद में ना पड़े, सामान्य आज मौन रखें। व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में आज आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सामान्य आपका मन आज उदास रह सकता है। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में सामान्य थोड़ा आलस रहेगा। आलस रहने से व्यवसाय में कोई व्यक्ति के साथ वाद विवाद हो सकता है और कार्य से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। आज सामान्य पारिवारिक के कुटुंबी जनों के साथ सामान्य विचार भिन्नता आज रह सकती है। इसे क्रोध और उद्वेग रहेगा, थोड़ा मन को शांत रखने की आज आवश्यकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज किसी व्यक्ति की सलाह पर काम ना करें, खुद की सूझबूझ से काम करें। व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में आज प्रवास और मुसाफरी का योग है। सामान्य आज का दिन आपका मध्यम रहेगा, खर्चा अधिक रहेगा और आवक सामान्य थोड़ी मध्यम रहेगी। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। मन में अनेकों चिंताओं से आज मुक्ति मिलेगी और परिवार और कुटुंबी जनों का साथ और सहकार आपको आज अवश्य मिलेगा। मन किसी कार्य में चिंतित होने से मन सामान्य उदास रहेगा, लेकिन सकारात्मक विचार करने से आपके आज का दिन सफलता प्राप्त होगी। भागीदारी और साझेदारी में आज लाभ मिलेंगे और व्यवसाय में और कार्य क्षेत्र में आज आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ये था 12 राशियों का सुफल। दर्शक मित्रों को नमस्कार।